ये है ईट डे सीरीज। तीनों दिन कुछ अलग अलग हुआ, तो ये जानते हैं क्या हुआ। ये ईद का पहला दिन है, सुबह के 7:15 बज रहे हैं और टाइम है नमाज का 7:30। बस 15 मिनट पहले हम उठ गए। ये ईद मेरे लिए कुछ अलग थी, बहुत ज़्यादा टूश टेंस वीडियो में। मतलब देखिए आज हम जाना जाएंगे ना वहाँ बनाएंगे। ये पूरा तीन जैसे तीन दिन होते हैं ना ईद में, तो ये पूरी एक सीरीज है, वन सीरीज, तीनों दिन मैंने इसमें कवर कर दिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं, तो आप लोग साथ लेके चलेंगे, आज गाड़ी मैं चला रहा हूँ। सुबह से तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैंने लिया लाइट, मैंने बोला कुछ भी नहीं है इतना सही हो जाएगा, लेकिन अचानक बुखार बहुत तेज़ हो गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी, वो ये ईद का प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो अब शुरू हो गया ईद का दूसरा दिन, और ये टाइम है शाम का, क्योंकि सुबह से मैं जो सोया मेरी आँख फिर शाम में खुली। दवाइयों में इतनी नींद थी कि बस, और बुखार फुल टॉप पे। उसको कम करने के लिए कुछ रेस्ट किया और दवाइयाँ खाई बहुत कड़वी कड़वी। तो दोस्तों अभी ना ईद का दूसरा दिन चल रहा है और शाम के 5:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी मेरी तबीयत सही हुई है, और पहले दिन ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, तो बड़ी मैंने हरकतें कर दी, मैं गाड़ी चला ली फिर कर लिया, तो मुझे उस फोन में थोड़ा रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन मैंने अभी नहीं किया। तो खैर अभी बस ये देख रहे हैं, हर दर्द का साथी है ये पैराडोल। अब पैराडोल खाते हैं, थोड़ा अपना सेहत को सही करते हैं, तबीयत वगैरह सही करते हैं, और फिर स्टार्ट होते हैं वापस से। और वैसे भी इसकी एक पैराडोल से कुछ नहीं होता, दो खानी पड़ती हैं भाई। अभी ये दिमाग कह रहा है कि इसको फेंक दो उठा के, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना यार। तो ये ईद का तीसरा दिन है, और तीसरे दिन में फुल मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब तबीयत मेरी थोड़ी सही हो गई है। अब देखो बारिश का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, और मैंने बोला यार चल लेते हैं। अब आए हैं बाहर, तो पार्क को मैं आप लोगों को दिखाई दूँ। ये है प्रिजन 22 का पार्क, और बारबेक्यू का भी सीन ऑन है, डैम भी है और हट भी बनाया है। बाकी आप इन्जॉय करें वीडियो में। Yeah.
मेरी ईद तो ऐसी ही गुजरी है, आप लोगों की कैसे गुजरी और कितनी ईदी जमा हुई है कमेंट में बताइएगा।